Welcome to my YouTube channel Travel Sutra, which is all about travel, fashion and food. And finally, I'm out of Delhi. मैं हर बार आप लोगों से कहती हूँ कि दिल्ली से बाहर जाना है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं. लेकिन इस बार दिल्ली से बाहर आए, बहुत दूर नहीं गए हैं, लेकिन हाँ दिल्ली से बाहर है. तो कहाँ हैं हम, वो जानने के लिए चलिए शुरू से दिखाती हूँ आपको हमारी ये जर्नी. सुबह के बज रहे हैं 8:30. सामान हो चुका है पैक और हम सब रेडी हैं जाने के लिए. हमारी कैब भी आ चुकी है. ये जो ट्रिप है ये है दिल्ली टू सरिस्का, सरिस्का टू. जी हाँ, सेकंड डेस्टिनेशन मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी. अभी बात सिर्फ और सिर्फ दिल्ली टू सरिस्का और सरिस्का की ही होगी. दिल्ली से सरिस्का का जो डिस्टेंस है वो है 214 किलोमीटर और अप्रॉक्स आपको 4 घंटे लगते हैं दिल्ली से सरिस्का बाय रोड पहुँचने में. लेकिन फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आपको ये सफ़र लंबा बिल्कुल भी नहीं लगेगा. और मुझ जैसा इंसान जिसे गाड़ी में बैठते ही नींद आ जाती है, उसके लिए तो कोई भी सफ़र लंबा नहीं होता है. ये ब्लॉग बनाने वाली आंटी छोड़ी है. काशो गेम में लगी हुई है. अच्छा बोलो, मैं अच्छा बोलो, मैं सरिस्का जा रही हूँ. तो फाइनली हम पहुँचने वाले हैं हमारे रिजॉर्ट. तो फाइनली हम पहुंच गए. थकान जो है चेहरे पे साफ नज़र आ रही है, क्योंकि जो सफ़र था वो काफ़ी लंबा हो गया था. ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको आगे इस ब्लॉग में बताऊंगी. और ये है हमारा स्टर्लिंग सरिस्का टाइगर रिजॉर्ट. तो रिसेप्शन पर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हम सब जा रहे हैं हमारे रूम्स की तरफ. तो ये है हमारा रूम. पति 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 का फ़ोन पकड़ना. हमारा रूम और ये रूम कुछ ऐसा नजर आता है. और ये है हमारा रिजॉर्ट का नाम है स्टर्लिंग टाइगर, है ना? स्टर्लिंग सरिस्का. अच्छा, स्टर्लिंग सरिस्का. और ये कैसा है उसका मैं जो आपको पूरा व्यू है वो बाद में दूंगी, क्योंकि अभी हम लोगों को होना है रेडी. हम ऑलरेडी हो चुके हैं लेट और इसके बाद हमें जाना है सफारी के लिए, इसलिए अभी होना होगा रेडी. बाकी रिजॉर्ट कैसा है वो पूरा व्यू मैं आपको बाद में दूंगी. तो फ्रेश हम सब हो चुके हैं. फिलहाल प्लान यही है कि पहले लंच करेंगे, उसके बाद रेडी होकर जंगल सफारी के लिए जाएंगे. जंगल सफारी का जो हमें टाइम मिला है वो 3:30 मिला है और अभी फ़िलहाल 2 ऑलरेडी बज चुके हैं. तो ऐसे में जल्दी जल्दी बस लंच करना है, रेडी होना है और जंगल सफारी के लिए जाना है. तो हम पहुंच गए हैं लंच करने के लिए. जो पैकेज हमने लिया है उसमें लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और जो इवनिंग टी है वो इंक्लूड है. फिलहाल लंच हमारा फिनिश हो चुका है और अब बारी है रेडी होने की, क्योंकि हमें जाना है जंगल सफारी के लिए. फॉर मी ट्रैवल इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, न्यू थिंग्स, फूड बट इन स्टाइल. और कुछ यही कहता है हमारा चैनल भी ट्रैवल सूत्रा, सुवन सुवी ट्रैवल इन स्टाइल. तो लंच हो चुका है, हम सब रेडी हो चुके हैं और अब जा रहे हैं हमारी जीप सफारी के लिए. तो ये है जहाँ से हमारी जो जीप सफारी है वो शुरू होने वाली है. ये है हमारी जीप और यहाँ हो रही है सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी. एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको मिलेगा, जिसे आपको फिल करना होगा और उसमें करने होंगे अपने साइन, जिसमें लिखा होता है कि आप यहाँ जंगल सफारी अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं और इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं.
तो अब बस शुरू होने वाली है जीप सफारी। सबने ले ली है अपनी अपनी जगह, खुद को कंफर्टेबल करने की कोशिश हो रही है। हम कहाँ जा रहे हैं काशु? बता दो कुछ यार, हम क्या करने आए हैं? टाइगर देखने आए हैं। अब लगाओ अभी जगह, अब लगाओ, अब लगाया था सुमन माफी रुको चश्मा पहनने। चलो चलो कैसे सब बोलेंगे। हाँ चलो चलो, जय माता दी। तो बेसिकली जो जगह मैंने आपको पहले दिखाई थी वहाँ पर सारी जीप खड़ी रहती हैं, लेकिन जो जंगल का जो एंट्री पॉइंट है वो यहाँ है। इस गेट में भी आपको अपनी जो टिकट है वो आपको दिखानी होती है, उसके बाद ही आपको इस गेट से जंगल में एंट्री मिलती है। आदित्य होटल कैसा लगा? क्या क्या दिखते हैं भैया? पास फेल। अच्छा। पास है बिल्कुल, विद फ्लाइंग कलर्स। ओह माय गॉड। तो अब फाइनली शुरू हुई है हमारी जीप सफारी और इसी के साथ हमने ले ली है जंगल में एंट्री। तो ये जीप सफारी का मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है राजस्थान में ही। इससे पहले मैंने जैसलमेर में की थी जो कि डेजर्ट सफारी थी, और उसका जो एक्सपीरियंस है इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो चलिए अब जानिए सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ, और ये जानकारी मैं नहीं बल्कि खुद यहाँ के गाइड आपको देंगे। के महाराजा का शिकार कहा था, ये 1978 में टाइगर रिजर्व बनाया था। इसका टोटल एरिया 1213 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये चारों तरफ आपको नजर आ रही है अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। और ये सर शुष्क की पतझड़ वन है। शुष्क? हाँ जी, ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडस फॉरेस्ट। इसमें सर प्रिंसिपल ऑफ प्रेडेटर में टाइगर है, जिनकी संख्या 23 है, 23 टाइगर। हाँ सर, सेकंड फैल और मॉनिटर लिजर्ड भी है, और लगभग 240 तरह की यहाँ बर्ड्स भी पाई जाती है, लोकल और माइग्रेटिव दोनों मिला के। अब वैसे सर ये पार्क मेन तो अक्टूबर से ओपन होता है, अभी इस टाइम पे एक ही ट्रैक को खोला हुआ है। अब इस पे इन दिनों में टाइगर के भी चांस कम ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ हरियाली काफ़ी है सर। जैसे अंदर थोड़ा सा भी अंदर कोई जानवर हो तो दिखता नहीं है। ये इधर एक लेफ्ट में वाटर बॉडी है, कन्ना का बास बोलते हैं, इसमें सर्दियों में काफ़ी बर्ड्स आते हैं, और कुछ इसमें क्रोकोडाइल्स भी हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ जंगल में कुछ नजर आया तो वो था मोर। तो जो जंगल है वो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी डेंस है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस जंगल के साथ आपको प्यार हो जाएगा। ये रही ना सामने, बड़ा भी है क्या? हाँ ये है सांबर। और ये है सरिस्का का पांडुपोल हनुमान मंदिर। तो ये जो मंदिर है पांडुपोल हनुमान जी का, ये जंगल के बीचों बीच मौजूद है, और इस मंदिर का जो इतिहास है वो महाभारत काल से जुड़ा है। महाभारत का वो प्रसंग तो आपको याद ही होगा जिसमें महाबली भीम द्वारा रास्ते में लेटे एक वृद्ध वानर की पूंछ को हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो उसे नहीं हटा पाए थे। वो जो वानर थे वो हनुमान जी थे, इसीलिए इस मंदिर को लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो हनुमान जी की है वो शयन अवस्था में है। तो ये जो एक्सपीरियंस था हमारे लिए वो बिल्कुल सरप्राइजिंग था, क्योंकि हमने उम्मीद नहीं की थी, ना ही हमें यहाँ आने से पहले ऐसा कोई आइडिया था कि यहाँ जंगल के बीचों बीच हनुमान जी का कोई ऐसा मंदिर है जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। बोलो बेटा, कौन से मंदिर? हनुमान जी के। ओके, अरे कहाँ जा रहे हो आप?
ये नमक चाट रहे हैं अभी ताकि इनका डाइजेशन सही बना रहे। डिपार्टमेंट वाले यहाँ पे नमक डाल देते हैं इनके लिए और ये बरसात के सीजन के पहले। तो टाइगर तो नजर नहीं आया लेकिन हाँ जीप सफारी का हमने पूरा मजा लिया। तो जो जीप सफारी की हमारी वो ख़त्म हो चुकी है और हम वापस वहीं जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पर ही आ गए हैं। तो बेसिकली ये जो था वो सरिस्का टाइगर रिज़र्व है लेकिन हमें यहाँ कोई टाइगर नज़र नहीं आया। एक्चुअली जो टाइमिंग थी वो टाइमिंग ख़राब हो गई और काफ़ी जो रूट थे वो अंदर बंद थे और अक्टूबर में वो सारे जो रूट है वो खुलेंगे। इसके अलावा मार्च, अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हैं और आपको टाइगर देखना है तो मार्च उसके लिए सबसे सही टाइम होगा आपके लिए। हमारी टाइमिंग थोड़ी सी यहाँ पर गलत हो गई और बरसात के मौसम में आपको जनरली टाइगर नज़र नहीं आएंगे, ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। लेकिन इसके अलावा जो थे वो काफ़ी सारे जानवर जो बाकी जानवर थे वो हमें नज़र आए, चाहे भी वो सांभर हो, मोर हो। मोर तो आपको ये लगा लीजिए कि हर एक सेकंड में आपको मोर नज़र आएगा। और हनुमान मंदिर, जिसका हमें कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पर जंगल के बीचों बीच कोई हनुमान मंदिर भी है, वो हनुमान जी के दर्शन हो गए तो वो एक अच्छी चीज़ रही। लेकिन ओवरऑल बात करूँ इस पूरी जीप सफारी की, जंगल सफारी की, तो जो जंगल सफारी का जो एक्सपीरियंस था जीप सफारी का वो अच्छा था। फॉरेस्ट बहुत सुंदर है, बहुत डेंस है, तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा था। सिर्फ एक जो कमी थी वो यही थी कि टाइगर नज़र नहीं आया, लेकिन हमारा जो टाइम था वो टाइम हमारा यहाँ अच्छा भी था। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी सीधा रिसॉर्ट। फिलहाल रात हो चुकी है और हम सब बहुत थक भी चुके हैं, तो बस डिनर करके प्लान यही है कि सब सो जाएंगे। तो इसी के साथ सरिस्का में डे वन हमारा हो चुका है ख़त्म। ये जो रिज़ॉर्ट है स्टर्लिंग सरिस्का टाइगर हेवन रिज़ॉर्ट, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। वहीं सरिस्का के बाद जो हमारा दूसरा डेस्टिनेशन है उसका एक्सपीरियंस भी बहुत जल्द आप सबके साथ शेयर करूँगी। तब तक आप गेस करें कि आखिर सरिस्का के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं, दूसरा डेस्टिनेशन हमारा क्या है। और अगर आप हमारे चैनल ट्रेवल सुथरा सुमन्स पे पर नए हैं तो इसे अभी ही सब्सक्राइब करें।